So now coming to conjunction of four planets, how this works. So I will share my screen and I'll show one of the chart. And with the help of the chart, it will be very easy for me to share the conjunction. So just allow me to share the screen. So now over here, you can see that there is four planet conjunction in happening in ninth house. Now, what I actually see this conjunction is like, I'll give you guys a very good example and good explanation ki like how to see such conjunction. Okay. तो एक लाइन होती है, लाइन में चार चार बंदे खड़े, एक आगे, उसके पीछे, एक उसके पीछे। तो जो लास्ट वाला जो प्लैनेट है, अगर उसने आगे दबाया, तो सब जो भी आगे जो लाइन में जो पीपल जो खड़े, सबको धक्का मिलेगा। तो दिस क्लियरली सेज दैट द प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री इन द कंजंक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट. It influences all the planets ahead. तो मैं बता रहा था कि जो सबसे लोवेस्ट डिग्री जो प्लैनेट है, अगर आप चार प्लैनेट या फाइव प्लैनेट, तो लोवेस्ट डिग्री जो प्लैनेट है वो हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने स्पेशल अटेंशन वो प्लैनेट को देना चाहिए. ठीक है, अभी हम लोग स्टडी करते हैं कि यहाँ पे ये चार प्लैनेट कैसे काम करेंगे अपनी दशा में. ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे आप देखोगे प्लैनेट में, ये चार प्लैनेट में सन जो है वो सबसे लोवेस्ट डिग्री है, दैट इज 12 डिग्री. Am I right? Right, Baneshwar ji? Yes, yes, correct, correct. ठीक है, तो अब जब सन की जो दशा होगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल व्हाट बनेश्वर जी शेड विद द थ्री प्लैनेट, आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम वे कि अपनी दशा पीरियड में वो काम कैसे करेगा. उस सन जो अपनी दशा में वो फिफ्थ हाउस के रिजल्ट देगा, वो सेवेंथ हाउस के रिजल्ट देगा, और साथ ही साथ वीनस के हाउसेस के भी रिजल्ट देगा, दैट इज फोर्थ एंड सेवेंथ, बिकॉज सन इज गोइंग टूवर्ड्स वीनस. जैसे बनेश्वर जी ने बोला है कि लाइक जो मैं जिसकी तरफ जाना चाहता हूँ या जिसकी तरफ जाना चाहता हूँ, इट मीन्स इट शोज सम ईगरनेस एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट. सो दैट इज वाई सन विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट्स नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज फोर्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस. तो यहाँ पे ओवरऑल सन की दशा में आप देखोगे कि सेवेंथ हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं, नाइन्थ हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं, एंड फोर्थ हाउस के रिजल्ट मिलेगा. अब नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स वीनस. अब वीनस की दशा में क्या होगा? वीनस की दशा में नाइन्थ हाउस का तो रिजल्ट मिलेगा ही, क्योंकि वहां कंजंक्शन हो रहा है. लेकिन वीनस किसके पास से आगे बढ़ा है? वो सन से होकर आया है, तो उसके पास सन की भी क्वालिटीज है, तो वो नेचुरली सेवेंथ हाउस के भी रिजल्ट देगा. अब सन जो है, सॉरी वीनस जो है, वो किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जाने की उत्सुकता है? राहु. राहु इज द नेक्स्ट प्लैनेट. तो राहु का जो हाउस है दैट इज 11 राशि, फर्स्ट हाउस. तो वीनस फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट देगा. नाउ द प्रिंसिपल इज कि अगर आपके कोई आपके आगे प्लैनेट है और कोई अगर आपके पीछे प्लैनेट है, तो वहां पे आप जो प्लैनेट है वो अपने घर की रिजल्ट नहीं देगा. ओके, तो ये सिचुएशन में वेनस जो है अपनी दशा में सेवेंथ हाउस के रिजल्ट देगा, नाइन्थ हाउस के रिजल्ट देगा, एंड फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा. ओके, देन हम लोग जाते हैं राहु. नाउ द सेम प्रिंसिपल, राहु के आगे कौन है? जुपिटर है. राहु के पीछे कौन है? वीनस है. राहु वीनस के क्वालिटीज लेके आगे बढ़ा है एंड राहु को जाना है जुपिटर की तरफ. तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे ऐसा कि जो राहु जब रिजल्ट देगा वो वीनस के हाउसेस के भी रिजल्ट देगा, फोर्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस. एंड राहु किसकी तरफ जा रहा है? जुपिटर की तरफ. तो जुपिटर के हाउसेस के भी रिजल्ट देगा, दैट इज 11th हाउस एंड सेकेंड हाउस. सो ओवरऑल आई कैन से दैट when आई विल हैव राहु दशा, आई विल सी द रिजल्ट ऑफ फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस एंड सेकेंड हाउस. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स जुपिटर. अब जुपिटर की जब दशा आएगी तो मुझे कौन से घर की रिजल्ट मिलेगी? यहाँ पे हमने देखा कि जुपिटर जो है वो राहु की क्वालिटीज लेके आगे बढ़ गया,
यानी नेचुरली उसके पास राहु की क्वालिटीज है, और जुपिटर के आगे कोई प्लैनेट नहीं है। तो जब जुपिटर के आगे कोई प्लैनेट के आगे कोई प्लैनेट नहीं होता है, तो वहां वो अपने घरों के भी रिजल्ट देता है। तो जब जुपिटर की जब दशा चलेगी, इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस एंड उसके खुद के घर के रिजल्ट, सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस। सो दिस इज हाउ वी सी कि लाइक विच प्लैनेट विल अपनी अपनी दशा में किस तरीके से रिजल्ट देगा कंजंक्शन में। और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिग्रीज का भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं कारक तत्वों में कि ये प्लैनेट की कारक तत्व कैसे होगी, लाइक हाउ इज इट वर्किंग। आपने देखा कि जो सन है इट इज गोइंग टूवर्ड्स वीनस। अब सन रिप्रेजेंट बाय कारक तत्व एज माई फादर, एंड वीनस इज वॉट, वीनस इज समवेयर लाइक ब्यूटी, सजना। तो ये लाइक ओवर हियर द फादर, उनको सजने की डजने की काफी इच्छा रहेगी। ये मैंने एक इंटरप्रिटेशन किया। फिर आप देखोगे जो वीनस है वो सन सन की क्वालिटी लेके आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पे वीनस रिप्रेजेंट वॉट इन अ पर्सन चार्ट, वीनस रिप्रेजेंट वाइफ एक मैन की चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे वीनस जो है वो सन की क्वालिटी लेके बड़ा है, यानी यहाँ पे वाइफ के पास जो क्वालिटी रहेगी इट विल बी ऑफ लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगोइस्टिक एंड काफी फेम में रहना। तो समवेयर और कहीं ना कहीं वो भी शायद से वाइफ हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड या कहीं ना कहीं जुड़े हो इनडायरेक्टली है। तो समवेयर ऐसे रिलेशन हम लोग कारक तत्व से जानते हैं।